हम ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने बाम से में भी काम किया, DS4 में भी काम किया और आज बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय CP सिंह जी। आपका SM न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। ये मानवर कांसीराम साहब को 21वीं सदी का महानायक क्यों कहा जाता है? मानवर कांसीराम साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को और बहुजन समाज पार्टी के अनुयायियों को और जो मानवर कांसीराम साहब में आस्था रखते हैं, आज उनके 9 अक्टूबर 2017 में के दिन आज उनको अपनी तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मानवर कांसीराम साहब ने इस देश के अंदर जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिलाया, तो उस वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करना मानवर कांसीराम साहब ने सिखाया। और इस देश के अंदर उन्होंने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार उन्होंने सरकार बना के दिखाई। जो सबसे जटिल काम था वो सबसे दलित और दलित में भी सबसे जो दलित माना गया, महिला को माना गया, मानवर कांसीराम साहब ने सबसे कमज़ोर चीज़ को सबसे ताकतवर चीज़ बनाकर इस देश के अंदर दिखाया। इसलिए मानवर कांसीराम साहब को 21वीं सदी का महानायक बोला जाता है। सर, आज जो ये जो सरकारें चल रही हैं और सब लोग ये कहते हैं आज संविधान खतरे में है, संविधान कभी खतरे में नहीं होगा। जैसे जैसे इनकी जाति बढ़ रही है, जैसे जैसे लोगों को मतलब इस बात को समझ में आ रहा है, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार देखी है, बहन कुमारी महदी जो सरकार चलाई है और जो हम जहाँ पर जिस प्रेरणा स्थल पर खड़े हैं आज जब वो उसको देख रहे हैं, यहाँ का भव्य मतलब किस तरह बहन कुमारी महदी ने उसको बनाने का काम किया है, तो ये सब चीज़ें उनको प्रतीत मतलब होती हैं कि यदि हम लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, सत्ता में प्लानिंग बनाने वाले नहीं बनेंगे, तो ये हमारे साथ जाति कर रहे हैं। तो आज समाज जाग रहा है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को समझ चुकी है, समझ रही है कि हमारे जो हमारा रोजगार था यहाँ की सरकार ने छीनने का काम किया है, तो बिना सत्ता में रहे हम लोग इसका मतलब फ़ायदा नहीं ले सकते। इसलिए उनकी चाहत है कि भी हम लोग संविधान को तभी मजबूत कर पाएंगे तब हम लोग मतलब सत्ता के करीब रहेंगे। तो इसलिए सब लोग आज पूरी दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा से लोग चल कर इधर आए हैं और वो लोग अपनी श्रद्धांजलि मानवर कांसीराम साहब को अर्पित कर रहे हैं और वो यहाँ संकल्प लेना चाहते हैं कि भाई हम आने वाले दिनों में 2019 में देश के प्रधानमंत्री बहन कुमारी महती को बनाकर मानवर कांसीराम साहब के सपनों को साकार करेंगे। सर, अभी रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि जो नौकरियों के अंदर था वो रिजर्वेशन वो ख़त्म कर दिया है। जब बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा में थी तो राज्यसभा में उन्होंने वो विधेयक पास करा लिया था, लेकिन आज लोकसभा में वो विधेयक पास नहीं हुआ, तो उसका मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण हमारे इस देश के अंदर जो एक बहुत बड़ा इस तरह का यहाँ पर सिचुएशन बनाई गई है कि लोगों को तुरंत लाभ की आदत पड़ गई है कि भाई हमें लाभ मिल जाना चाहिए। उन्होंने दूरदर्शी बात को नहीं सोचा था। आज उनको जब इनको ये एहसास हुआ है कि ये धीरे धीरे जिनको हमने ताकत दी है वही हमारी रोजी रोटी को छीनने का काम कर रहे हैं। बहन कुमारी महती जी को यहाँ पर लोगों ने जितना मैंडेट देना चाहिए था नहीं दिया, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अपने नेतृत्व को, अपनी जिम्मेदारी को समझा कि जिस समाज का मैं नेतृत्व करती हूँ उस समाज के हित को ध्यान में रखना भी मेरा काम है। तो राज्यसभा के अंदर उन्होंने जितने भी उनके राज्यसभा में सदस्य थे उनके बलबूते पे और अपनी ताकत के आधार पर उन्होंने राज्यसभा में वो बिल को पास करा दिया, रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पास करा दिया। मगर जिनको देश की जनता ने जिताकर भेजने का काम किया उन्हीं लोगों ने उस पास बिल को फाड़ने का काम किया। अब उन्हें एहसास हो गया कि हमने तो गलती कर दी है। आज इस देश के अंदर लोग ठगा से महसूस कर रहे हैं कि भाई हमसे जो गलती हुई है आने वाली 2019 के अंदर इसका करारा जवाब यहाँ की सरकार को हम देने का काम करेंगे। सर, आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं? आवाम से मेरी यही अपील है कि हमारे महापुरुषों की चाहत है कि इस देश के अंदर गरीब के बेटे राजा बने और इसीलिए बाबा साहब ने पूरी ताकत अपने चार चार बच्चे कफन के अभाव में चले गए, वो अपने बच्चों को कफन नहीं डाल पाए मगर उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया। इसी बात को मानवर कांसीराम साहब ने समझा और इस बात को उन्होंने कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा इसके आधार पर पूरे देश में लोगों को तैयार किया। और बाबा साहब जाते जाते ही पार्लियामेंट की तरफ उंगली करके गए हैं कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ पावर फॉर योर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों कब्जा कर लो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जब तक हम इस देश की पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, विधानसभाओं में नहीं जाएंगे, टाउन हॉल में नहीं जाएंगे यहाँ, तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। तो इसलिए मेरी लोगों से अपील है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आने वाले 2019 के अंदर या यहाँ दिल्ली में 2020 में यहाँ पर स्टेट का चुनाव होगा तो अपने सही वोट का सही इस्तेमाल करें जो हमारे महापुरुषों की चाहत है।